करने जा रहे हैं मल्टीपल एलील्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लियोट्रॉपी, लियोट्रॉपी से पहले हमने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस, उससे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, यानी कि हमने पढ़ा था डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील्स। अब ये मल्टीपल एलील्स क्या है, इसे हम एलिलिक सीरीज भी कहते हैं। याद रखना, जो मल्टीपल एलील्स है इसको हम पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करते हैं, हम इसको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पे दो एलील्स होंगे, एक जीन की दो ही एलील्स होंगे अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे हम मल्टीपल एलील्स का फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है। अगर हमने मल्टीपल एलील्स को स्टडी करना है तो हम इसको पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करते हैं। अब होता क्या है मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स क्या होता है, जब मोर देन टू कॉपीज एक जीन की प्रेजेंट होंगी पॉपुलेशन में, ठीक है ना। और ये जो मल्टीपल जीन्स जो है, जो मल्टीपल एलील्स जो है वो सेम लोकस पे होंगे और ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो तब हम कहेंगे उसको ये मल्टीपल एलील्स है, या इसे हम कहते हैं एलिलिक सीरीज। क्या कहते हैं? एलिलिक सीरीज। हमारे पास मान लो डोमिनेंट एलील थी दो, कैपिटल ए कैपिटल ए एलील, इस एलील में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से ये रिसेसिव बन गई, फिर ये डोमिनेंट एलील थी, इस डोमिनेंट एलील में भी म्यूटेशन हो गया, ये भी रिसेसिव हो गई, इसमें और म्यूटेशन हो गया, ये और रिसेसिव होती गई। क्लियर है ये चीज? तो ये एक सीरीज हमने देखने को मिलती है, एलील्स की एक सीरीज देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलीलिक सीरीज, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, मैंने आपको बताया दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशंस, ये म्यूटेशन बार बार हो रहा है, इस म्यूटेशन बार बार होने की वजह से ये मल्टीपल एलील्स बन रहा है, और ये सेम जीन की म्यूटेशन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं बी जीन की म्यूटेशन दिखी आपको? नहीं ना, यहाँ पे ए जीन की म्यूटेशन है, इसलिए ये सेम जीन पे हो रही है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन पे हो रही है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन पे हो रही है। अब देखो, अब इसमें डिफरेंट किस्म के जीनोटाइप्स और डिफरेंट फिनोटाइप्स बन सकते हैं, तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स एंड डिफरेंट जीनोटाइप्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहली एग्जांपल आती है इसमें डक फीदर्स पैटर्न, जो डक में फेदर्स होती है उनका पैटर्न कैसा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डक फीदर्स पैटर्न, इसकी एग्जाम्पल नंबर वन मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलील्स में पहली एग्जाम्पल डक फेदर्स पैटर्न। देखिए, अगर हम डक फेदर्स पैटर्न की बात करेंगे तो डक फेदर्स पैटर्न को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय अ जीन कॉल्ड एम जीन। कौन सा जीन इसको कंट्रोल करता है? एम जीन। अब देखिए, ये एम जीन जो है इसकी तीन एलील्स होती हैं इन अ पॉप, इसकी कितनी एलील्स हैं? तीन एलील्स हैं इन अ पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन में तीन एलील्स हैं। तो वो तीन एलील कौन सी है? देखिए, वो तीन एलील्स हैं एम आर, एम और एम डी। ये एम आर, ये एम और एम डी। सुनो इधर, ये जो एम आर है, ये एम आर जो है, ये जो पैटर्न देगा वो देगा रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। कंसंट्रेट करो, ये क्या देगा? रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। ये जो एम है, ये एम देगा मेलार्ड पैटर्न। कैसा देगा? ये मेलार्ड पैटर्न। और ये जो डी है, ये देगा डस्की पैटर्न। अब देखो, अब तीन एलील्स यहां पे हैं पॉपुलेशन में, अब इन तीन एलील्स में कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन, दिस विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। देखो, यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने, एन, एन इज द नंबर ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन, कितने हैं? तीन, थ्री प्लस वन अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू थ्री, इधर फोर अपॉन टू, 12 अपॉन टू, दिस इज सिक्स। यही आएगा ना, यही आएगा, ऐसे करो ना फिर, यही आएगा ना। तो यहां पे पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बनेंगे?
सिक्स बनेंगे। देखो मैं बना के दूंगा। अब एक बात यहां पे आपने गौर करनी है, देयर इज द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। अगर एम आर कहां पे देख कहीं पे भी आपको आएगा तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न ही आएगा, वहां पे कोई पैटर्न, सबसे डोमिनेंट ये है, उसके बाद डोमिनेंट एम है और रिसेसिव आ गया एम और डी। ये यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब देखो, अब हम देखेंगे इसका पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या क्या बनेंगे। देखो ये एम आर है, ये भी एम आर आएगा, एक ये कंडीशन आएगी, एक एम आर एम आएगी, एम आर एम, तीसरी कंडीशन एम आर एम डी। इन तीनों में जो पैटर्न आएगा दैट इज रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। क्लियर है ये चीज? दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा या एम एम आ सकता है या एम एम डी आ सकता है, तो यहां पे पैटर्न जो आएगा दैट इज मलार्ड। एक बार गूगल कर लेना मलार्ड पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक ही कलील बचता है जो जिसमें दोनों कॉपीज रिसेसिव है, तो इधर आएगा 10 की पैटर्न। तो हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर फाउंड इन दिस पॉपुलेशन? तो इस पॉपुलेशन में डक फीडर पैटर्न्स के केस में 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, और मैंने यहां पे बना के दिए। 3 में रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न आएगा डोमिनेंट पैटर्न, 2 में मलार्ड आएगा और 1 में डस्की आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डक फीडर पैटर्न इन केस ऑफ डक्स। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है एम जीन। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दैट इज कोट कलर ऑफ रैबिट। दूसरा एग्जांपल हमने डिस्कस करना है कोट कलर, ये हो गया, इसको मैं इरेज करूं। तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कोट कलर ऑफ रैबिट। तो जब भी कहीं आपको एग्जाम में फॉर्मूला निकालने को मिलेगा, कहीं पे पूछेगा कि मान लो एक पॉपुलेशन में 10 एलील्स है, कितनी है 10 एलील्स है, आप निकालो जी नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो आप वहां पे नहीं लिखना 10 एलील बनाओगे फिर आप उन पैटर्न पे जाओगे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप सीधा लिखोगे एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला है कि हम पॉसिबल जीनोटाइप्स कैसे निकालते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम, दैट इज जो दूसरा एग्जाम्पल है उस पर आएंगे, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप पे आते हैं पहले, उसके बाद हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। ए बी ओ ब्लड ग्रुप, मैंने जब मैं आपको कोडोमिनेंस पढ़ा रहा था तो कोडोमिनेंस में मैंने बताया था दिस एबीओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। अब देखो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इट इज फाउंड इन ह्यूमन, इट इज फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में मोस्ट स्टडीड ब्लड ग्रुप जो है एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसके बाद रिसेस फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, इस एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती है। हाउ मेनी एलील्स? 3 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल। और ये जो 3 एलील्स हैं, ये जो 3 एलील्स हैं, ये कौन कौन सी है? आई ए, आई बी और आई ओ, ये है आई ए आई बी और आई ओ, ठीक है ना। आप देखो यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, आई ए डोमिनेंट है आई ओ पे, ये आई बी जो है ये भी डोमिनेंट है आई ओ पे, तो आई ओ जो है वो रिसेसिव है, वो क्या है, वो रिसेसिव है। अब अगर यहां पे 3 एलील्स हैं पॉपुलेशन में, तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स कितना होगा? तो आप लिखोगे इधर एन, एन प्लस वन अपान टू, एन कितना है 3, 3 प्लस वन अपान टू, दिस विल बी इक्वल टू 6। ये मैंने अभी निकाल के दिया आपको, ठीक है यहां तक। अब देखो, अब यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि यहां पे कितने, देखिए अब मैं 6 पॉसिबल यहां पे फिनोटाइप्स या जीनोटाइप्स निकालूंगा। देखो ऐसा भी नेचर में ऐसा भी होगा ना पॉपुलेशन में कि आई ए आई ए है या आई ए आई ओ है, तो इस केस में ब्लड ग्रुप जो है वो ए आएगा, है ना। अगर ये आई बी आई बी है, इधर आई बी आई ओ है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप बी आएगा। अगर ये आई ए आई बी है तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। दिस इज द केस ऑफ, तो मैंने एक पॉइंट लिखाया था इन केस ऑफ मल्टीपल एलील्स और इन केस ऑफ एलीलिक सीरीज, यहां पे डोमिनेंट एलील्स भी होंगी, यहां पे रिसेसिव एलील्स भी होंगी, यहां पर को डोमिनेंट एलील्स भी होंगी। तो आपको दिखी को डोमिनेंट एलील्स, और यहां पे आई ओ आई ओ भी होगा, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ओ बनेगा। तो हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस आर देयर, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमंस। क्लियर ये चीज? नाउ थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। ये समझ आया ये वाला एग्जांपल आपको? नाउ थर्ड एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्ड एग्जांपल इज दैट इज कोट कलर ऑफ रैबिट। कोट कलर ऑफ रैबिट, देखो इधर, कोट कलर ऑफ रैबिट, कोट कलर ऑफ रैबिट को कंट्रोल करता है सी जीन। सॉरी, कोट कलर ऑफ रैबिट को कंट्रोल करता है सी जीन। हाँ, कौन सा जीन? सी जीन। अब इस सी जीन की चार एलील्स हैं, चार फोर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने देखने को मिले? अब ये बात याद रखना, एक इंडिविजुअल में हो सकता है चारों की चारों एलील नहीं हो, तभी तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको स्टडी नहीं करते हैं ना, इसको हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल पे, ठीक है ना। अब जैसे ए बी है, उसमें ए बी है, बी बी है, कोई ओ है, उसमें तो कोई भी नहीं है, आई बात समझ? तो आप देखो, ये जो सी एलील्स है, चार एलील्स हैं, कितनी है? चार एलील्स है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है सी, कौन सी आती है? सी प्लस, पहले आती है सी प्लस। इस सी प्लस को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। ये जो एलील है ये वाइल्ड टाइप है। क्या है ये? वाइल्ड टाइप। और इस वाइल्ड टाइप एलील का जो कलर है वो डार्क है, ठीक है, वो कैसा है? डार्क है। दूसरा आता है सी सी एच। इस सी एच का मतलब होता है चिंचेला। इस सी एच का मतलब क्या होता है? चिंचेला, सी आई एन सी एच ई डबल एल ए, चिंचेला। उसके बाद आता है सी एच, एच मतलब हो गया हिमालयन, एच मतलब क्या हो गया? हिमालयन। और उसके बाद आता है सी, ये सी मतलब होता है एल्बिनो। जेनेटिक्स की टर्म में एल्बिनो को बोलते हैं वाइट। जेनेटिक्स की टर्म में एल्बिनो को क्या बोलते हैं? वाइट, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोट कलर ऑफ रैबिट? देयर आर फोर एलील्स। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स विल बी देयर? तो फॉर्मूला लिखेंगे हम एन, एन प्लस वन अपान टू। एन कितना है? फोर। फोर प्लस वन अपान टू, दिस विल बी इक्वल टू 10, 10 ही आएगा ना, ठीक है। तो पॉसिबल, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आए? 10 आए। अब देखो नेचर में क्या देखने को मिलेगा, जहां पे C प्लस आएगा तो यहां पे C प्लस जो है वो डोमिनेंट है सी सी एच पे, ये डोमिनेंट है सी एच पे, और ये इस रिसेसिव पे डोमिनेंट है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स जीनोटाइप्स कितने हैं? 10 है। देखो मैं दूंगा बना के कैसे है। एक तो आएगा सी प्लस सी प्लस, दूसरा सी प्लस सी सी एच, सी प्लस सी एच, सी प्लस सी। तो इस केस में जो कलर आएगा वो आएगा डार्क या वाइल्ड टाइप। दूसरा सी सी एच सी सी एच सी सी एच सी एच सी सी एच एच, सॉरी सी सी एच सी, इसमें जो आएगा वो आएगा चिंचेला। तीसरा देखो सी एच सी एच सी एच सी, इसमें आएगा हिमालय। फोर्थ देखो सी सी, इसमें आएगा एल्बिनो, ठीक है। तो कितने पॉसिबल आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो चलो 10 एलील्स तक आप इसमें पॉसिबल, मतलब 10 तक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मान लो आपके पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में किसी कलर या किसी फ्लावर पैटर्न के लिए 40 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ बनाओगे? उस टाइम डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन निकल जाएगा, और हो सकता है इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव भी बने, ठीक है ना। अब देखो नंबर फोर्थ टर्म पे आता है, कोट कलर ऑफ रैबिट के बाद मल्टीपल एलिलिज्म में एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज रिसेस फैक्टर। क्या है? रिसेस फैक्टर। इसे हम पढ़ते हैं रो फैक्टर भी। क्या पढ़ते हैं? रो फैक्टर। इसे हम पढ़ते हैं रिसेस फैक्टर। अब इसको रिसेस फैक्टर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इसको मंकी से, इसको इस ब्लड ग्रुप को निकाल। अब देखिए रिसेस क्या है? एक किस्म की प्रोटीन है। रिसेस क्या है? रिसेस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। Found on the surface of,
आरबीसी के सरफेस में ये रिसेस प्रोटीन होता है। आप देखो ये जो प्रोटीन है ये अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती है। ये जो प्रोटीन है एक्ट एज अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर। ये किसकी तरह एक्ट करती है? ये अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करती है, ठीक है ना। आप देखो अब इसमें तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटीन है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन के केस में 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी किया गया है। 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें से मोस्ट डोमिनेंट जो है वो एबीओ को मोस्ट स्टडीड, एबीओ। एबीओ के बाद हमारा रो फैक्टर आता है। एबीओ के बाद हमारा रो फैक्टर, मतलब कि ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे इस रो फैक्टर को कंट्रोल करते हैं 50 एंटीजन्स। हाउ मेनी एंटीजन्स? 50 एंटीजन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रो फैक्टर के लिए, ठीक है ना। अब इस 50 में से सिर्फ हमारे पास पांच इंपॉर्टेंट है, सी डी और ई। इस सी, कैपिटल सी समाल सी, ये डी इस डी की फॉर्म में, ये कैपिटल ई और ये समाल, ये पांच एंटीजन काम के हैं। इस पांच का एंटीजन में ये जो डी है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम रो, हाँ इसे कहेंगे रो पॉजिटिव। अगर ये डी एंटीजन एब्सेंट है तो इसे कहेंगे रो नेगेटिव। इज क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब देखो, हाँ अब इस रो प्रोटीन या इस रो प्रोटीन को कंट्रोल करती हैं, अगर मैं बात करूं रो प्रोटीन की, इस रो प्रोटीन को, इसको मैं इरेज करूं ऊपर, अगर मैं बात करूं रो प्रोटीन में, तो रो प्रोटीन को कंट्रोल करती हैं 8 एलील्स। कितनी? 8 एलील्स इस रो प्रोटीन को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अगर 8 एलील्स इस रो प्रोटीन को कंट्रोल करती हैं तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं? तो वो देखो कितने बनेंगे, इसको मैं इरेज करूं। तो 8 अगर है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? एन, एन प्लस वन अपान टू। तो एन कितना है? 8 प्लस वन अपान टू कितना आया? कितना आएगा? 36 आएगा। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? 36 आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये मल्टीपल एलिलिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। समझ आया यहां तक? ठीक है, काफी है आज का। ये था आज का टॉपिक मल्टीपल एलिलिज्म।